सर हमारे मॉडल का नाम है लेजर सिक्योरिटी अलार्म। ये होम बेसिस पे सर, ये जो इसका यूजेज है होम बेसिस पे है। जोहार झारखंड, मैं हूँ अमलेश्वर महतो और आप देख रहे हैं झारखंड का सच न्यूज। आज गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भागा धनबाद में विज्ञान मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें बहुत सारे स्कूल के छात्र छात्राएं भाग लिए हुए हैं। चलिए आपको दिखाते हैं किस किस तरह से बच्चे मॉडल तैयार करके लाए हैं और किस तरह से विज्ञान मेला का आयोजन किया जा रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं। मैं डॉक्टर राजेश मिश्रा, फूड टेक्नोलॉजी ब्रांच जीपी भागा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये एक्वाफोनिक्स का ये मॉडल जो है हमारे 6th सेमेस्टर के बच्चे जो है ये जनरेट किए हैं। बेसिकली यदि आप इसमें देखें तो यहाँ पे पीसी कल्चर किया जा रहा है। इस पीसी कल्चर में ये फिश जो है एक्वेरियम फिश जो है उसका कल्चर किया जा रहा है। और ये जो एक्वेरियम फिश जो होता है ये कॉस्टली फिशेज होता है और ये पोटेनोड्रोमस होता है, मीन्स ये फ्रेश वाटर में और ये सी वाटर दोनों में भी ये क्या कर सकता है, ये ग्रो कर सकता है। अब आप देखें ये जो इसका वेस्ट वाटर है, इस वेस्ट वाटर को मैनेज करके फिर हम क्या करते हैं, इस पाइप लाइन के थ्रू जो है इस में जो है इसको हम सर्कुलेट कर रहे हैं। अब इसमें जो आप देख रहे हैं बहुत सारे प्लांट्स को हम इसमें ये ग्रो करवाया है। जिस प्लांट्स को जो न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है वो सारा न्यूट्रिएंट इसी से मिल रहा है, जो डिजॉल्व सॉलिड के रूप में ये अब्सॉर्ब कर रहा है। फिर यहाँ से जो वेस्ट वाटर है उस वेस्ट वाटर को ये फंगी को ग्रो करवा रहे हैं। ये फंगी आपका ये मशरूम है, मशरूम के लिए क्या किया जा रहा है, ये जो बैग हम कल्चर किए हैं इस बैग के अंदर में मशरूम के सीड्स को डाला गया है, जिसका हाइफा प्रोड्यूस किया और बाद में ये बटन मशरूम जो है ये प्रोड्यूस कर दिया। और इसका जो एक्सक्रीटरी, इसका जो वेस्टेज है वो वेस्टेज हम नीचे की ओर दे रहे हैं। जो नीचे आप जो देख रहे हैं ये सॉइल नहीं है बल्कि ये जो है कोकपिट है और इसमें हम क्या कर रहे हैं कि सीड को जर्मिनेट करा रहे हैं। इस प्रकार इससे भी हम प्लांट को तैयार कर रहे हैं, जिस प्लांट को हम क्या करेंगे फिर इसमें इस प्लांट को जो है इसमें इसको डालेंगे फिर इसको ग्रो कराएंगे। तो इस प्रकार से आप देखें कम स्पेस में ही हम क्या कर रहे हैं, पूरे मैनेजमेंट को जो है वो मेंटेन किए हैं। और इस 6th सेमेस्टर के बच्चे जो है यहाँ पे आप देखिए धनिया का प्रोडक्शन कर रहा है, जो कि इसमें सारे विटामिन इसमें प्रेजेंट है और इसको कोई भी सॉइल नहीं मिल रहा है, सिर्फ न्यूट्रिएंट से ये ग्रो कर रहा है। मशरूम है, ये हाईली प्रोटीनस है, इसमें जो है बहुत सारे एमिनो एसिड का बॉन्डिंग होता है इस मशरूम के अंदर में। और इसका जो है वेजिटेबल्स वगैरह बनाया जाता है, बहुत सारा मेडिसिन बनाया जाता है। इसके अलावा जो है इसका पाउडर भी बनाया जाता है, जिस पाउडर को जो है ओल्ड पर्सन को अगर दिया जाता है तो उसके बॉडी के अंदर में जो है प्रोटीन की कमी नहीं हो पाती है। तो इस प्रकार से आपने जो देखा ये डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फिश है, सबका कल्चर किया गया एक छोटे से स्पेस में। ओके, थैंक यू। देख रहे हैं ये सबसे पहले हमने पोल्ट्री फार्मिंग किया है। पोल्ट्री फार्म करने के बाद जो वेस्ट निकलता है एक टैंक में हमने स्टोर किया। इस स्टोर किए हुए टैंक में हमने मछली पालन करने के एक विधि को प्रतिपादन किया, इसमें मछली डाल दिया। मछली डालने के बाद हमने यहाँ से मछली पालन करना स्टार्ट किया। इसके बाद एक और टैंक जो रेसिंग टैंक है, रेसिंग टैंक में लाया। रेसिंग टैंक में थोड़ा गंदा पानी है, उसमें दूसरा प्रकार की मछली डाला। उससे आगे एक टैंक ले आया जिसमें एक मछली को डाला जो उससे गंदा पानी में सर्वाइव करता है। सबसे निचला टैंक है उसमें हमने बांगुर मछली को डाला जो सबसे डर्टी गंदा वाटर में रहता है, वो इजली से इसमें सर्वाइव कर रहा है और वो मार्केटिंग के लिए तैयार हो गया है। निचला सबसे निचला टैंक है वो मार्केटिंग के लिए है और जो इसमें पानी बच रहा है उसको रीस्टोर करके हमने फिल्टर करके पुनः उसमें डाल दिया। और जो उसका वेस्ट निकला है उससे हमने यहाँ पे बिना खाद पानी का खेती भी कर दिया है, जो हम अपने मुर्गे के लिए फिर तैयार कर सकते हैं। इस तरह से पूरा रिसाइकल एक ही चीज़ से हमने पूरे का पूरे सिस्टम को चला दिया है, जिसमें कम स्पेस पर कम कॉस्ट पर इतना बड़ा चीज़ पर अमाउंट पर हमने लार्ज फार्मिंग कर रहे हैं। एक छोटा सा फीड से हमने चढ़ चढ़ से 5-5 मछली पालन कर दिया और ऊपर से मुर्गी भी सरवाइव कर रहे हैं, अंडे भी उससे आ रहे हैं। क्या बनाए हैं आप लोग? सर हमारे मॉडल का नाम है लेजर सिक्योरिटी अलार्म। ये होम बेसिस पे सर, ये जो इसका यूजेज है होम बेसिस पे है। इससे बेसिकली होता क्या है, हमारे पास एक लेजर लाइट है, वो जो लेजर लाइट का पिन है उसको हम लोग लेजर के द्वारा रिफ्लेक्ट करवा के चारों ओर को हम लोग पोजिशन कर देते हैं। सर
ये सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम है, यह सूर्य का चारों ओर ग्रह घूम रहा है। ग्रह क्यों घूमता है? यह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घूमता है। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध है, जिसका डिस्टेंस 58 मिलियन किलोमीटर है। और शुक्र जो है एक ऐसा ग्रह है जो पानी में भी तैर सकता है और एक ठंडा ग्रह है। हम लोग इसमें यह दिखाना चाहते हैं कि कौन सा ग्रह सूर्य का कितना दूर है और कितना नज़दीक है। यहाँ पे वो एनर्जी कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब कि वहाँ पे होगा, मतलब कि विंड जब नहीं हो, विंड नहीं होता
इसका साइड इफेक्ट क्या बता रहे हैं? ये क्या बता रहे हैं? इसका खाली आप बताना चाह रहे हैं कि ओजोन लेयर के डिप्लेशन से क्या क्या है? ये चीज इसमें दिखाई दे रहा है। ये क्या बता रहे हैं? सर इससे हम बताना चाहते हैं कि डायनेमो एनर्जी को मतलब इससे इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाते हैं। ये क्या करोगे? यहाँ ले जा रहे हैं? नहीं, फिल्टर करके ये देंगे, इसको ब्लीचिंग पाउडर और चार्कोल से हम लोग फिल्टर करेंगे तब। कैसे चलेगा ये?
मिलता है, लेजर लाइट फ्रिक्वेंसी बनाता है, साउंड फ्रिक्वेंसी बनाता है, रे में कन्वर्ट करती है और ये रिसीव करेगा सोलर पैनल है। तो हम लोग वज्र ऐसी लेजर में नहीं आना है, ग्लो कर रहा है, इससे हमारे समाज में मतलब समाज में क्या इसका यूज हो सकता है, सर को बोले साथ में ही होते सर। सर ये हाइड्रोलिक वाला हाइड्रोलिक वर्क करता है ना, और ये सर लॉन्ग लास्टिंग होता है सर, ड्रॉप सर्विस। और सर इसमें हाइड्रोलिक का यूज होता है इसलिए स्मूथली वर्क करता है सर, इसका मैकेनिज्म बहुत ईजी है सर। ठीक है, और भी कुछ बताओ उसका, चूँकि अच्छा बनाया आगे बताओ, चूँकि इतना बढ़िया बनाया हो ये ओपन लीवर पर काम करता भी है। यस सर, और बताओ सर ये ओपन कास्ट में ही यूज़ किया जाता है, अंडरग्राउंड में नहीं उसका यूज किया जाता सर। क्यों सर? क्योंकि वो उसमें हाइट का ये होता है सर, रूट सपोर्ट नहीं है, रूट सपोर्ट होता है इसमें, हम लोग ओपन स्काई में ये वर्क होता है इसीलिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं सर, ये ज़्यादा अफोर्डेबल है सर। ठीक है, जानकारी के लिए थोड़ा सा बता सकते हैं इसका लाइफ कम है, रॉक सोल का लाइफ ज़्यादा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो रोबस्ट होता है। लेकिन फ़ायदा इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये डीजल ऑपरेटेड है, इसके लिए हमको पावर जरूरत नहीं होती, हमको ओवर हेड एक्सप्रेशन का जगह उसको जहाँ चाहेंगे बुक कर सकते हैं, लेकिन पावर सोल जो रॉक सोल है उसको बुक करने के लिए हम लोग को पावर ले जाना पड़ेगा पहले वहाँ पर, इसको कोई ज़रूरत नहीं है, बुक की अपना। ठीक है, तो इजी टू शिफ्ट ये जो है इसका लाइफ बहुत कम है, रॉक सोल का लाइफ बहुत कम है।